अस्सलाम वालेकुम माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टुडे इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स फॉर फोर क्लास। सो स्टूडेंट्स ऑफ फोर क्लास, ओपन योर कंप्यूटर बुक पेज नंबर 28। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, MS विंडोज़, जिसमें हमने स्टडी किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, और विंडोज 7 को स्टडी कर रहे थे। नाउ हम इसी विंडोज 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। Windows 7 has a variety of features. Windows 7 के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। You can do many activities like saving, opening or deleting files. इसमें हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं और फाइल को डिलीट कर सकते हैं by just clicking on the mouse, just mouse के क्लिक करने से। So let us study about some of the new features of MS Windows 7. आइए हम अब Windows 7 के न्यू फीचर्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स, जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, विंडोज़ रन ऑटोमेटिकली एंड डिस्प्लेज द वर्जन ऑफ द विंडोज़ इट इज़ यूजिंग। विंडोज़ क्या करती है? ऑटोमेटिकली रन होती है और इसके वर्जन को डिस्प्ले करती है जिसको वो यूज़ कर रही होती है। जैसे कि विंडोज़ 7 अल्टीमेट, विंडोज़ 7 होम प्रीमियम। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्क्रीन दैट अपेयर्स ऑन योर मोनीटर इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप। कंप्यूटर्स को ऑन करने के बाद जो न्यू स्क्रीन जो अपेयर होती है मॉनिटर पे, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका रीडिंग में से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या होता है? इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स द नेक्स्ट स्क्रीन दैट अपेयर्स ऑन योर मोनीटर इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप। कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो जो नेक्स्ट स्क्रीन अपेयर होती है मोनीटर पे, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप की स्क्रीन किस तरह की होती है? जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही है, ये हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन है। डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है? आइकन्स होते हैं, स्मॉल पिक्चर्स होती हैं जिनको नेम दिया होता है, उनको हम आइकन्स बोलते हैं। स्टार्ट बटन है, सिस्टम ट्रे है, टास्क बार है, ये नीचे जो स्क्रीन पे फुल बार नज़र आ रही होती है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। और ये बाकी ये बैकग्राउंड है, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। The desktop contains small pictures with some names such as my computer, cycle bin. Desktop किस पे मुश्तमिल होता है? Small pictures पे होता है जिनको names दिए होते हैं, जैसे कि my computer, recycle bin. These small pictures are called icons. इनको हम icons बोलते हैं। यहाँ से आपका question है, what is icon? Icon क्या है? इसका answer आप chapter के end पे जो definitions दी हुई हैं वहाँ से हमने इसको करना है। Icons. आइकन क्या है? पिक्चर रिप्रेजेंटिंग सम कंप्यूटर फंक्शन। आइकन क्या करता है? इसमें कुछ पिक्चर होती हैं जो कि कंप्यूटर के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसका आंसर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। स्मॉल पिक्चर्स जो कि डेस्कटॉप पे नज़र आती हैं, उनको हम आइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर आइकन। कंप्यूटर का आइकन क्या है? When you double click on this icon, जब आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं, माई कंप्यूटर के आइकन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि ये आपको आइकन दिखाए गए हैं, कंप्यूटर का आइकन दिखाया गया है और रिसाइकल बिन का आइकन दिखाया गया है। कंप्यूटर के आइकन को जब हम क्लिक करते हैं, a new screen appears on your monitor. मोनीटर पे एक न्यू स्क्रीन अपेयर होती है, नज़र आती है, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के आइकन पे जब क्लिक करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है। You can see several icons on this window. इस विंडो पे आपको बहुत ज़्यादा आइकन नज़र आते हैं, जैसे ये आपको आइकन्स दिखाए गए हैं, पिक्चर्स हैं और साथ में उनके नेम दिए हुए हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स ये आपको नज़र आ रहा है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, इनके आइकन दिए हुए हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स क्या होती हैं? अ हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर डाटा ऑन कंप्यूटर। हार्ड डिस्क किस लिए यूज़ होती है? डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में। देयर मे बी मैनी ड्राइव्स ऑफ अ हार्ड डिस्क सच एज लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई। हार्ड ड्राइव्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे कि लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी एंड लोकल डिस्क ई। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ड्राइव्स के नेम दिए हुए हैं। दीज ड्राइव स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर। ये ड्राइव क्या करती हैं? कंप्यूटर में डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाट आर हार्ड डिस्क ड्राइव्स? हार्ड डिस्क ड्राइव्स क्या होती हैं? इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट है डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज। द फ्लॉपी ड्राइव इज़ यूज्ड फॉर शोइंग डाटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी ड्राइव किस लिए यूज़ होती है? डाटा को फ्लॉपी डिस्क पे शो करने के लिए। ये आपको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव दिखाई गई है।
यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लॉपी ड्राइव? फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ क्या है? द फ्लॉपी ड्राइव इज़ यूज फॉर शोइंग डाटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी ड्राइव क्या करती है? फ्लॉपी डिस्क पे डाटा को शो करने के लिए यूज़ होती है। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से आपका लेक्चर एंड होता है, आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या है? व्हाट इज़ आइकन? आइकन क्या है? व्हाट आर हार्ड डिस्क ड्राइव्स? हार्ड डिस्क ड्राइव्स क्या होती हैं? एंड व्हाट इज़ यूज़ ऑफ फ्लॉपी ड्राइव? फ्लॉपी ड्राइव का यूज़ क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इन चारों क्वेश्चंस को आपने याद भी करना है और अपने होमवर्क में इसको राइट भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर लेक्चर इज एंड। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।